वेलकम फ्रेंड्स, आरसीजे हंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक वीडियो लाए हैं अनबॉक्सिंग की, जिसमें हम आज अपने कुछ सामान को अनबॉक्स करेंगे। वैसे तो आप लोगों को टाइटल से समझ में आ ही गया होगा कि क्या चीज़ है, तो चलिए अनबॉक्स करते हैं। तो आज अपना ये बॉक्स आ गया, जिसका इतने दिनों से इंतज़ार था। इसकी तो पैकिंग भी बड़ी तगड़ी वाली करी हुई है। ये मैंने एक पोस्ट भी डाली थी कि केरल से हमारा कुछ सामान आ रहा है। यही वो सामान है जो बहुत दूर से आया है, डायरेक्ट फ्रॉम केरला, बैंडिडोस शॉप। तो अभी देखते हैं इसके अंदर जो चीज़ मंगाई है वो किस तरह से आई है। पैकिंग तो बहुत तगड़ी वाली करते हैं ये। लास्ट टाइम जब मैंने लेग गार्ड मंगाया था, तब भी इनकी पैकिंग बहुत जबरदस्त आई थी। उम्मीद है कि सब चीज़ एकदम बढ़िया सेफ आई होगी। आजकल इतनी अनबॉक्सिंग हो रही है कि एक कैंची तो इसी काम में रहती है। वाओ, ये अभी ओपन हो रहा है हमारा बॉक्स। ये ऊपर सेफ्टी के लिए एक कवर लगा दिया है, और ये हमारा, अब तो आप समझ रहे होंगे कि ये क्या चीज है। ये है टॉप बॉक्स जो हमने अपनी बाइक के पीछे लगाने के लिए मंगाया है, ताकि अब कहीं राइड पे जाएं तो लगेज वगैरह और बाकी सामानों को बाइक पे छोड़ के जाने की टेंशन ना रहे। ये है जेबी रेसिंग का सेटअप बॉक्स, सिल्वर कलर में। आइए देखते हैं इसको ओपन करके इसकी चाबी। ये अब अपना बॉक्स खुल गया पूरा। अंदर इसमें बढ़िया कवर लगा रखा है लेदर का। ये रिफ्लेक्टर्स हैं जो इसके बैक में इस साइड ऐसे लगेंगे। ये इसकी फिटिंग्स हैं सारी, स्क्रूज जिसमें बाइक से कसा जाएगा इसको। ये इसकी कीज हैं, दोनों एक ही कीज से ये दोनों चीज़ें लॉक हो जाती हैं। इसको लग कर देंगे तो ये प्लेट जो है इससे पूरी पूरी निकल जाती है। अब ये चारों बोल्टों को हम यहाँ पर लगाकर और अपनी बाइक पे माउंट करेंगे इसको, फिर ये सीधा इस पे कस जाया करेगा। तो चलो इसको माउंट करते हैं और देखते हैं कैसा लगता है ये। एक नट कम आया, इसमें पुराना लगवाना पड़ेगा। Thank you.
ये लुका रहा अपनी बाइक का। अभी आपने इसकी अनबॉक्सिंग भी देखी, तो इसमें बाकी तो कुछ ज़्यादा बताने को है नहीं। मैक्सिमम चीज़ें अनबॉक्सिंग में दिखाई दे ही गई हैं, लेकिन जो दो एक प्रॉब्लम्स इसको मिलने के बाद में मुझे फेस हुई वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। वैसे तो सभी बच्चों को और जो लोग हैं उनको पता ही है कि ये किस तरह से खुलते बंद होते हैं, लेकिन मुझे तो उसकी जानकारी थी नहीं। मैं काफ़ी देर तक इससे कुश्ती लड़ता रहा, ये खुलेगा कैसे, ये लॉक है ऊपर से नीचे से साइड से सब तरफ से, इसको देख देख के मैं परेशान हो गया कि ये खुल नहीं रहा। तो फिर मेरी नज़र इस पर गई कि ये जो नीचे हुक है इसको प्रेस करने से ये ऐसे खुलते हैं, तो तभी फिर मुझे ये नज़र आया कि इसमें भी सेम है। तो ये इसको हम जब इसमें प्रेस करते हैं तो ये खुल जाता है इस तरह से। तो काफ़ी देर तक दिमाग लगाना पड़ गया तब जाके ये ओपन हुआ। तो एक तो ये दिक्कत आई, मुझे आई बेसिकली, बाकी लोगों को नहीं आती। तो मुझे लगा कि ये लॉक क्यों भेज दिया उन्होंने, ये तो चाबी तो इसके अंदर रखी हुई है और ये खुल नहीं रहा उससे। तो चलो खैर मेरी गलती थी, फिर मुझे चेक करना पड़ा तो इसका सिस्टम मेरी समझ में आ गया और ये मैंने खोल लिया। दूसरा, इसके अंदर जो बोल्ट्स आए थे इसकी प्लेट के साथ में लगने के, तो उसमें एक नट नहीं आया था, तो वो अभी फ़िलहाल मैंने एक पुराना नट लगा दिया है। किसी दिन मार्केट जाऊंगा तो मैं उसको चेंज करा के नया कर दूंगा। और दूसरी आई थी प्रॉब्लम, जब हमने इसको रखा था तो ये इसकी सेटिंग इस पर बैठ नहीं रही थी। तो एक्चुअली क्या है कि इसको इसमें हुक्स में लगाने के बाद में थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है। जब हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं, क्योंकि अभी नई रबड़ थी इसकी, तो थोड़ा इसको ठोकना पड़ गया तब जाके ये इसमें बॉक्स फिट हुआ और ये इसका लॉक लगा। तो ये दो प्रॉब्लम्स मुझे आई थी। वैसे प्रॉब्लम मेरी अपनी अज्ञानता की वजह से हैं, जिनको जानकारी है वो तो इसको फटाफट लगा ही देते हैं और खोल देते हैं, सब चीज़ें कर देते हैं। अच्छा, इस खासा स्पेस है इसमें और शायद ये पहली आरी हंटर होगी जिस पे इस तरह का एल्युमिनियम का सेटअप बॉक्स लगा होगा। मैंने अभी तक किसी को देखा नहीं हंटर के ऊपर इस तरह का बॉक्स लगाते, नॉर्मली ये सब एडवेंचर बाइक्स पे ही लगाते हैं, लेकिन अब हमारी हंटर भी हर एडवेंचर करने के लिए निकलने वाली है, तो मैं सोचा चलो देखते हैं इसको ही लगा के। पहले तो मैं शाद का वैसा जो गोल तरह के वो जो आते हैं प्लास्टिक के, वो वाला टॉप बॉक्स मंगा रहा था, लेकिन फिर सोचा कि कल को मान लो एडवेंचर बाइक भी लेते हैं तो ये किट सेम उसमें यूज भी हो जाएगी, तो एक ही बार इन्वेस्ट करें, बार बार हो तो वो भी जाती है, लेकिन वो बॉक्सेस गिरने के बाद में अजीब से लगते हैं या हल्की क्वालिटी लगती है मुझे उनकी। ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लग रहा था और जेबी रेसिंग ने बहुत ही अच्छा बनाया है इसे। तो ये थी हमारी अनबॉक्सिंग आज की, बताइएगा कैसा लगा आपको ये बॉक्स और कैसी लगी हमारी बाइक इसको लगने के बाद। तो अब सबसे ज़रूरी सवाल का जवाब कि ये बॉक्स मुझे कितने का पड़ा। तो ये बॉक्स मुझे पड़ा है 12,999, 45 लीटर इसकी कैपेसिटी है, जेबी रेसिंग कंपनी का। तो अब आप बताइएगा सही है वहाँ से मंगाना क्या यहाँ पर दिल्ली में सस्ता मिल जाता है इससे। तो मिलते हैं ऐसे किसी और अनबॉक्सिंग में, या कहीं सड़क पर आते जाते घूमते फिरते किसी टूर पर वीडियो बनाते हुए मोटो व्लॉगिंग करते हुए। तब तक के लिए इजाज़त दें, RCJ हंट, थैंक यू, गुड डे।